Begum, 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 begum. क्या तो भी हुआ जी, कहीं को ऐसा बेगम बेगम चिल्ला के बेदम हो रहे? बेगम, आपको तो मालूम ना हम आपसे कितनी मोहब्बत करते। आज के दौर में अगर लैला मजनू, शीरीन फरात, रोमियो जूलियट, हीर रांझा अगर जिंदा रहते और उन लोग जब अपनी महबूबा से मोहब्बत का इजहार करते तो मेरी मिसाल देते थे और बोलते थे, मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ कि जितनी मोहब्बत शहबाज अपनी बीवी से करता है। हु? बात क्या है आखिर? कितना जल्दी समझ जाते जी तुम। नाइस। बेगम, वो क्या है बोले तो नहीं, मेरे को एक 3,000 रुपए होना था। हाँ, 3,000 रुपए? कैकू, अब तो ऐसा गल्ला फाड़ के 3,000 रुपए बोल के बोल दिए, पूछने भी शर्म आ रही। आखिर कैकू तो भी होना तुम्हारे 3,000 रुपए? वो क्या है बोले तो ना, हमारे दोस्त की शादी है तो अपना पूरे दोस्ता मिलके एक जैसे शेरवानियाँ सिला ले रहे। वाह 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 वा, क्या बड़ा काम कर रहे हैं। हमारे दोस्त की शादी है, हम पूरे दोस्त मिलके एक जैसे शेरवानी सिला रहे। तुम्हारे खुद की शादी में किराए की शेरवानी पहने तुम, और दोस्त की शादी में नई शेरवानी सिलाते, कोई जरूरत नहीं है। खामोश कुर्ता पैजामा पहन लेके जाना। वो अपने साचक का? हाँ, वेच। वो छोटा हो गया जी, मेरे को नहीं आ रहा, पेट के पास टाइट हो जा रहा पूरा। वो छोटा नहीं हुआ, तुम मोटे हो गए, पेट कम करो जरा। नक्को रे भाई नक्को, एक जैसे शेरवानियाँ नक्को, जिसके पास जो है ला वो पहन लेंगे रे भाई। अरे पूरे एक जैसे शेरवानियाँ सिलाए तो अच्छा दिखता है। अरे यारो, तुम्हारी को अच्छा दिखता, हमारे को कैसा दिखता वो हमारे को मालूम। अच्छा जानने रे भाई, शेरवानियाँ नहीं तो नहीं, लेकिन मरफा तो रखना ही पड़ता भैया। वो कैसा नहीं रहता, मरफा तो रहना ही पड़ता, खाली या बापा या बापा या बापा। बहुत ही नए नए शौक उठ रहे तुम्हारे को, बाजे के, नाचने के, क्या तो भी है। बाजे का शौक नया है मैं मानता हूँ, लेकिन नाचने का शौक तो पुराना ही है ना बेगम, तुम्हारी उंगलियों पे नहीं नाचता मैं। यही गुल्लती लाड़ा करके अपने हाथों से अपनी जिंदगी खराब कर लिया तुम लोग, बीवियों के उंगलियों पे नाचते यारो। इतने बड़े उंगलियां हैं भाई भाभी के। बीवियों को कंट्रोल में रखना, अपन जैसा बोले वैसा सुनना बीवियां, उठो बोल तो उठना, बैठो बोल तो बैठना, ऐसा खौफ रखना अपना। मर्द बनो रे मर्द बनो। किसका फोन बज रहा रही है? मैं इतनी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, किसका फोन बज रहा है? तेरा ही। Excuse me, 1 minute please. जी बोलिए। तो भी जाके उछड़ी जी, तुम जो सौदा लाने गए तो मैं छोगे। 15 मिनट में सौदा लेके आपके सामने रहता हूँ। 15 मिनट नहीं, अगर 5 मिनट में सौदे के साथ तुम घर पे नहीं रहे ना तो तुम्हारी घर उजड़ देती हूँ समझे, और नहीं तो भी बहुत ही छोरा तुम्हारा। जरा दोस्तों के साथ हूँ, 15 मिनट में वहाँ पर सौदा लेके रहता हूँ, अगर 15 मिनट में नहीं रहा तो आप खाल उधर दो मेरी। ओके, मट्टी पड़ो जी तुम्हारे दोस्तों पे, रख फोन। क्या है रे, हम लोगों को मर्द बनो बोल के बोल रहा, तू क्या बन रहा कोई? अरे रे रे रे, इतना बड़ा पहाड़ खोदे बाद खाली चूहा निकला, वो भी मरे वहाँ। मैं तुम लोगों से एक बात छुपाया रे। क्या? मेरी बीवी मेरे को उंगलियों पे लचाती। सेम हियर। तुम लोग तो मेरे भाया निकले। बीविया इतने भयानक रहते भाई? वैसा नहीं रे भाई, अपनी अपनी किस्मत की बात है, ये एक लॉटरी के सरकार समझो रे भाई, किसको क्या निकलता नहीं बोल सकते। ये तो जिंदगी भर का लगावा है रे भाई, पुदीने के हार का कैसा करेंगे? खाली पुदीने का हार बस है, नींबू मिर्ची अदरक लहसुन प्याज का हार नक्को। अरे यारो, मैं दूल्हा होने बिरयानी का मसाला हो जो नींबू मिर्ची अदरक लहसुन प्याज का हार पीना ने? नको नको, अच्छा ना दिखता, खाली बुदीने का हार बस है रे भाई, वो भी मरफे के साथ। अरे फिर मरफा बोल रहे क्या यारो, खुशी का मौका है रखना पड़ता। दोस्त से ज्यादा तो तुम्हारे खुशी दिख रही उसकी शादी की। और फिर मेरी बर्बादी के टाइम पे उन्हें कितना खुश था। हा? क्या
शादी के टाइम पे, मेरी शादी के टाइम पे कितने खुश थे मेरे दोस्त। अब खुशी का मौका है ना बेगम, थोड़ा एंजॉय कर लेते ना। एंजॉय करो, मैं नहीं करो बल्कि नहीं बोल रही हूँ, मैं बस इतना बोल रही हूँ ये बाजे बजा के पटाखे फोड़ के बड़े बड़े हारा ला के फजूल खर्चे नक्को करो। सही भी यार, अपन चीजों में बहुत पैसे बर्बाद कर देते। थोड़ी देर के एंजॉयमेंट के वास्ते हजारों रुपए बाजों में पटाखों में डाल के उड़ाए थे। और वो पुदीने का हार तो पैसे जमा करके ऐसा एहतराम से लाते जैसा दूल्हे को पहनाते कि 5 मिनट में कचरे के डब्बे में फेंक डालते। अगर वही पैसों का पल्ला सही इस्तेमाल करे तो किसी एक गरीब की मदद कर सकते पल्लों का। ये अच्छा सोचे तुम, अच्छे काम करने से, किसी की मदद करने से अपने बलाया टल जाते। ऐसा बोले तो तुम्हारे वाली साहब बहुत अच्छे अच्छे काम करे सर का दिख रहा। वो कई को बोले तो उनकी बला टल गई ना, इधर आ गई। मैं बला हूँ? तुम बला है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम्हारे वाली साहब अच्छे इंसान है ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा वो सब छोड़ो, कल मैं तुम्हारे अकाउंट से 20,000 रूपए ले रही हूँ। वो कई को की? कई को बोले तो मेरी फ्रेंड की एंगेजमेंट है, उसको सरप्राइज देने के वास्ते हम लोग पूल साइड म्यूजिक लगा के किटी पार्टी कर रहे और फुला भी पहना रहे। हाँ? तो इसको बोलते घड़े भर दूध में मैंगनी डालना। आज की हमारी कहानी थी उन लोगों के ऊपर जो सिर्फ दूसरों को अच्छे अच्छे बातें बोलते लेकिन खुद अमल नहीं करते। हम सबको चाहिए कि दूसरों को अच्छी बातें बताएं लेकिन पहले हम खुद अमल करें। तो मैं उम्मीद करता हूं हमारी ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कमेंट और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और ऐसे ही मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल शहबाज खान को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम। पैसा बोले तो तुम्हारे वाले साहब बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे सरकार दिख रहा। और एक बार और एक बार और एक बार वन मोर करेंगे। हाँ। और एक बार पटाखे बलगम okay. कैसा निकालते? छी छी छी। अरे छी क्या? ये निकालते। ओके ओके कंटिन्यू। मेरी शादी के टाइम पे कितने खुश थे मेरे दोस्त। अब खुशी का बेगा 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 अभी बेगा है ना मौका मुंड में रहो। सब लोग बातचीत चल रही है ऑलरेडी। बोले सर रोल एंड एक्शन। अरे आ रहा हूँ मैं, दूल्हा हूँ ना, बिरयानी का मसाला। और एक बार आप हंस रहे थे, आप हंस रहे थे, आप हंस रहे थे। हाँ रोल नको नको, खाली पुदीने का हार बसे रे भाई। अच्छा नहीं दिखता का है शहनान की एक लाइन। नको नको अच्छा नहीं दिखता, खाली पुदीने का हार बसे रे भाई। नको नको अच्छा नहीं दिखता, जाता अगर थलगेल की बारिश में आ गया। एंड एक्शन। यच यच येज गुल्लती लाना करके अपने हाथों से पूरी लाइफ खराब कर लिया तुम लोग। बीवियों के उंगलियों पे नाचते रे। थू 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 थू। भाई इतने बड़े उंगलियां हैं भाभी के। अपने कंट्रोल नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते।